है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए, इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। और भाई दिलीप, हाँ आजकल तुम बड़े उदास उदास लगते हो यार। यार भाई यार, आजकल मन नहीं लग रहा मेरा यार ठीक से यार। तो वैसे नौकरी की बताते है तेरे को, फिर सामने सब हुआ है, तेरे को कुछ पता नहीं है मेरे यार। तो काफी दिन हो गए उस चीज को यार, उससे आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना यार। लेकिन यार मैं तो था, मतलब मेरे को अंदर तो पता नहीं मुझे क्या हुआ था, लेकिन तू बता दे यार उस दिन हुआ क्या था। यार याद नहीं है उस दिन यार, तेरे अंदर एक आत्मा ने घुसेड़ दिया। घुसेड़ दिया तो क्या मतलब, क्या घुसेड़ दिया मतलब, आत्मा तेरे अंदर घुस गई थी यार। बहुत परेशान हुआ था, आत्मा घुस गई थी मेरे अंदर। हाँ आत्मा घुस गई थी, मत डरा, आत्मा घुस गई मेरे अंदर। मैं थोड़े नहीं, उस दिन घुस गई थी, बोला रहा कि आत्मा घुस गई थी, आत्मा घुस गई थी यार। भाई कितना परेशान हुआ मैं यार, कैसे कैसे त्रिशूल लेके आया। इसको कह रहे थे घुसड़ी को, इससे बोली चल बहुत जोर से लग गई थी, बहुत जोर से लग गई थी, बोल रहा था थोड़ी सी लगी है। अरे वो जल्दबाजी में डायलॉग भूल गया था यार। क्यों यार, कहाँ हो आजकल तुम? हाँ कहाँ हो आजकल, दिखते नहीं हो यार, बैठे हुए मतलब पूरे में कहीं ना किसी से बात करना ना चीट करना, और कहीं नहीं और यहाँ का बैठे हुए क्या? अरे यार हम थोड़े दिन पहले एक जंगल में गए थे घूमने यार, हमारे साथ वहां पे एक हादसा हो गया। क्या हो गया? अरे यार वहां पे एक भूत ने इसमें घुसेड़ दिया था। घुसेड़ दिया था? अरे मुझे मतलब एक भूत इसके अंदर घुस गया था यार। अच्छा देखेगा भूत, भूत देखेगा। अरे वो ही जरा घुसेड़ दिया था। हो जा भाई सामने की बात, अरे वो उससे गुस्सा आया था यार उसे। जैसे होता ही रहता। अरे यार वो तो बहुत लंबी कहानी है यार। और वो तुम्हारे साथ बताओ कहाँ चला गया यार? अरे यार हमने उसे बहुत ढूंढा यार वहाँ पे, पर हमें कहीं मिला ही नहीं यार। तो यार तो तुम उसको भेज दो यार, तुम्हें मिला ही नहीं यार। हमने कोशिश बहुत की यार, कोई मिला ही नहीं, कहीं ढूंढा नहीं हुआ। अरे हमने सही से बहुत ढूंढा था, लगे जाके मेरे लगे में अंदर मतलब जाके। तो मतलब दोस्त है तो ढूंढना तो जरूरी है। ढूंढा था हमारे भाई, बहुत ढूंढा था यार भाई, मुझे पर वो मिला नहीं यार। तुम बोल रहे हो अभी मेरे को चोट आ रही थी। तुम एक काम करो, कैसे दोस्त मार दो मार किस जगह पे हो रही है ऐसा? अरे यार वो चौपेट नदी के उधर एक मुंडी है, वहीं पे हुआ था यार हादसा। अब एक काम करो, सब जन चल रहे हैं अपन, दोस्त को ढूंढ के लाएंगे, ऐसे नहीं करते यार। दोस्त है अपना, इसकी हालत देख रहा है, हिम्मत नहीं है यार दोबारा वहां पे जाने की। अरे कैसे दोस्त हो यार, तुम हो ना दोस्त, तुम भाजन भाव जाकर जाओ। अरे तो तुम क्या कर रहे थे, तुम दोस्त नहीं होंगे हैं? चलो ऐसे आदमी एक तरफ ढूंढ के लाते यार। जो दोनों आए थे बेचारे नादान है यार, वो ढूंढने गए, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए यार। रईस के साथ हुआ वो तो ठीक ठाक है, इनके साथ गलत ना हो। हाँ यार आशीष भाई यार, बेचारे दोनों नादान है, अब यार कुछ हो जाता है अपने साथ तो बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है, कुछ सोचो यार उनके विषय में। हाँ यार मैं सोच ही रहा हूँ यार, जिस तरीके से आत्मा ने इसमें घुसेड़ा था कहीं उनमें ना घुस। अबे यार बार बार घुसेड़ा मतलब मेरी जबान जबान फिसल गई यार, जबान फिसल गई। कोई आत्मा उनके अंदर ना घुस जाए यार, कोई आत्मा उनके अंदर ना घुस जाए, ये बोल रहा हूँ यार भाई। नहीं ऐसा बोलना यार, चलो अपन भी चल के देखते हैं यार, चलो ढूंढने चलते हैं उनको, चलो अब जाना ही पड़ेगा चलो। यार लगता है यही जगह है वो, लगता तो है, उन्होंने पुलिस की बोली थी यार। हाँ ये है फिर वहाँ है मुंडी, चलो देखते हैं देखते हैं।
आकर के पानी पी दूं अंदर नदी आ जाओ। चलो आज पूरा यार अभी हाँ यार ये पानी कुछ खारा खारा लग रहा है। खारा लग रहा है? अरे खारा नहीं लग रहा, उधर देखो वो मूत्रा। अबे साले साले देख रहे हो मूत्रा पीने पानी में? मैं पीने का पानी नहीं है, वो हमने मूत्रने की जगह है वो। चलो रे चलो चल चल चल। ए यार कहाँ ढूंढे यार रईस को, कहाँ मिलेगा? पूरे बोरा शायद रईस जैसे ही लग रहा है। हाँ रईस जैसे, चल 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 देखते हैं साले को, हाथ तो इसकी ले लेंगे। लगता है बोरा रईस। साला कट्टी कर रहा है, पानी तो नहीं इसके पास। रईस उड़े झुका है अब नहीं और का। चलो देखते हैं जाएंगे यार साला। साला गया किधर यार? मिलते क्या नहीं मंगाता साला यार, इसलिए रात को नहीं लेंगे आज इसकी किसी साले को ले लेते हैं। अरे ले साले तेरी हड्डी जुड़ गई थी, ले पाव की ले 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 करता है जब देखो जब साले बोले ढूंढने आए तो देख नहीं था। अरे आप तुम जा रहे हो कैसे? अरे यार हमने सोचा कि यार जंगली इलाका है, तुम्हारे साथ कोई हादसा नहीं हो जाए, इसलिए हम भी तुम्हें ढूंढते हुए आ गए यार। गई सवाई मिले तुम्हारे लिए बना तो पाया, मगर कुछ ऐसी हरकत कर रहा था, इसी तरह दगा है, इसी तरह दगा है और किस तरफ गया, किस तरफ चला गया। हाँ चलो चलो। 3:28 AM भाई आशीष यार अपन को ढूंढते ढूंढते ऐसे बहुत दिन हो जाएंगे यार, दो तीन घंटे तो हो ही जाते हैं। ऐसे करते हैं सब लोग क्या करते हैं, अलग अलग जाते हैं ठीक है। सब इधर जाओ मैं इधर जाओ मैं इधर जा रहा ठीक है, दो तीन जगह अपन इधर उधर से आ रहे थे और जैसे गोल को मिला वैसे फोन लगा दे रहे ठीक है। ठीक है जाओ साला कहाँ गया यार ये? ये तो नहीं दे रहा नहीं दे रहा यार, किसी यार गजब कर रहा है यार। जाम उठने के लिए आया है क्या? मैं घर जाऊं क्या उठने के लिए? अरे यार ये खुरुर खुरुर की आवाज कैसे आ रही है? आशीष बोलो। हेलो। अरे इधर है पीछे की साइड, क्या कर रहा है? कुछ विचित्र क्रियाएं कर रहा है अपनी यार। अच्छा हाँ अभी अभी आता हूँ, बैठो को बैठो बैठो पीछे की तरफ। हाँ हाँ ठीक है। आगे आगे थोड़ा और आगे। चलो 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 चलो
चुपचाप से चुपचाप बस। अरे बुरा कर कर रहे हैं यार। अरे वही तो मैं कह रहा था कि मुझे कोई विचित्र घटना कर रहा है यार। अरे साला हंग रहा था वहां पे बैठ के पानी जाने का सोच रहा उधर से आवाज आ रही है। अबे डरा रहा है जबरदस्ती बोले वो क्या कर रहा है जंगल में चल यहां से। ये नमूना किसको बोला नमूना चले यहां से जाने चले यहां से तू वापस आ गया यार। तुझे पता है ये जगह सही नहीं है प्राप्त है पिछली बार मरते मरते बचा था तू फिर आ गया तू चार जनों को लेकर और आ गया। भाई हम सुबह से घूमते घूमते बहुत थक गए यार। तो घूम ही क्या रहा है जंगल में बैठ के बात करेंगे यार चला जा। चल बैठ। अरे यार जो कौन है यार। अरे भाई जो बोई गंडरिया है वो गंडरिया जिसकी तुम ध्यान बताने मतलब क्योंकि वो गलरिया है जी भाई गलरिया गलरिया बोल रहा हूँ मैं मेरी जबान फिसल जाती है। बचाया था तुम लोगों को तो कर रहे सब रहे। अरे हम वो आपस में हमारी बात चल रही थी। तू बाबू बड़ा ढीठ है यार है तुझे पता है या कैसा जंगल है ये कितना शैतानी इलाका है आत्माएं घूमती रहती हैं मरने चले जाता है जब देखो जब। अरे चार चार लोगों को और साथ और प्रसाद चाहिए नमूना। अरे हमारी मजबूरी थी यार हमारा एक दोस्त मिल नहीं रहा। अरे मजबूरी पहले भी देखी थी बाबू मैंने इस नमूने कैसे कैसे बचाया तुझे नहीं है क्या पता। अरे तो भाई मेरी बात तो सुन हमने उसे देखा है यार वो भागते हुए हमारे आंखों के सामने भागा है यार हम चारों ने देखा है। तो नहीं मिलेगा आपको। अरे तो कोई तो तरीका होगा उसे ढूंढने का यार। तो ढूंढ ही नहीं सकते इतने खतरनाक जंगल में आत्माएं घूमती रहती है वो तुम्हारा दोस्त भी गया उसी में। जैसे हमने उसे पहले ढूंढा था वापस से दोबारा भी ढूंढ सकते हैं उसको। तुम्हें अब कहीं नहीं मिलेगा। अरे यार वो हमें मिल चुका है एक बार जंगल वो सहकार बन चुका है बाबू समझ में नहीं आ रहा क्या एक बार में वो तुमको कहीं नहीं मिल सकता वो उस आत्मा ने उसको भी मार दिया। अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं है वो शैतान है जीता जागता शैतान। तो उसको बचाने का कोई तो तरीका होगा यार। कोई तरीका नहीं है इसको ले ही जाओगे क्या कर लोगे इंसान तो वो है नहीं शैतान ही है। तो क्या करें हम तरीका तो है मगर ये तरीका उस तरीके से बहुत खराब है। मैं एक आखिरी कोशिश और करना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता मेरा एक दोस्त तो वो चला ही गया फिर कभी किसी और मुसाफिर के साथ किसी और इंसान के साथ ये घटना दोबारा हो। इस सच्चा मैं चाहता हूँ उसे कैसे भी करके एक बार पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ इतनी देर से मेरे भाई। हम इंसानियत के नाते इतना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं कोई बेगुनाह ना मर जाए आप बताओ हमें क्या करना होगा इसके लिए। तो अगर उस शैतान को मारना है उससे मुक्त होना चाहते हो ना तो तुम्हें गुफा में जाना पड़ेगा। कौन सी गुफा बाबा कौन सी मुझे बहुत एक्सपीरियंस है गुफा में। बिल्कुल यहाँ से ये पहाड़ी के पीछे गांव है रामगढ़ उसमें पुराने खंडर में एक खंजर रखा हुआ है उस खंजर को लेकर कोई जो उस खंजर को लेके आएगा वही उसको मार पाएगा। और इतना याद रखना जो खाता पीता नहीं है वही लाएगा उस खंजर को मांस मदिरा का सेवन ना करता हो वही ला पाएगा उस खंजर को। हमें से सिर्फ यही ये कैसा है जो ये वो तुम्हारी समस्या है मैंने जो होना था बता दिया तो तुम्हें किसको भेजना है तुम जानो परिवार में जाएगा ना जाएगा ना। अरे कहा जाएगा अरे मेरी अरे भाई इंसानियत के नाते इतना अरे काजी इंसानियत बोले जान बचे भी बच्चे इंसानियत भाई ठीक है यार कभी कभी दस कसाना बढ़ती है बताओ जिंदगी की रिस्क हो रहा है ठीक है हम चले जाते अगर ऐसा नहीं होता तो वो तो आपको सुनना है ठीक है भाई इसकी लगा भी सोलह क्लास में भी ज्यादा पीता होता जाओ साले जाओ याहू।
खंजर ही तो मुझे अमर होने को अमर करेगा। खंजर को तो ले आओ सालो, पर मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। Later. चले जाए इधर नीचे गुफा है। लगता है यही है वो कंजर जिसके बारे में उसने बताया था। Om Klim Phat Swaha. Om Asi Devay Swaha. Om Tit Mai Swaha. Om Klim Phat 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 Swaha. आ गए मेरे बेटे बैठो। ओम क्लीम फट, ओम क्लीम फट, ओम क्लीम फट, क्लीम फट, क्लीम फट। ये मैं खंजर ले आया दादे दे। अब ये कैसे बेस बना के बैठे हो? लिपस्टिक लगा के बाल बढ़ा के औरतों जैसे तुम नहीं जानते बेटा, बैठ जाओ। इस विधि को पूरा करने के लिए ये होलिया लेना बहुत जरूरी था। ओम फट स्वाहा। रईस? ये रईस है? ओम क्लीम फट स्वाहा। ये रईस है ना? हाँ बेटा, इसके अंदर जो शैतानी आत्मा घुसी हुई है उसी को मारने के लिए तो सखंजर मंगाया है। अब ध्यान लगाकर अपने भगवान को याद कर। ओम क्लीम फट स्वाहा।
कौन है तू? मुझे ऐसे बहुत क्यों लगा? क्या बात है? यही मेरा असली रूप है, यही मेरा असली रूप है, और मैं यहीं रहता हूं। तेरे दोस्त सब बेवकूफ थे। गंदर क्यों बनाया तू दोस्त ने? क्योंकि मैं तेरी बलि देकर अमर हो सकूं, इसलिए खंजर मैंने तुझसे मंगाया था। तेरे दोस्त को दिल्ली पर से गायब करने वाला मैं था, मैंने उसे गायब किया था। इस पूरे षड्यंत्र का रचयिता निर्माता निर्देशक मैं हूं। तेरी बलि देकर ही मुझे अमरता का वरदान मिल सकता है, इसीलिए मैं तुझे इतना घुमा रहा था। कसूरों में लिखे देना चाहता है सकती नहीं, तेरी तेरी बलि ही मुझे अमर कर सकती है। तेरे दोस्त उससे ज्यादा होशियार हैं, तेरा वो दरियल दोस्त बहुत ज्यादा होशियार है। पहले जब तुम्हें मैंने नदी के घाट पर बुलाया, उस मुंडी पर से तुम्हारे कीकने बैठी सकल वाले दोस्त को भी मैंने गायब किया था। उसे मारने के लिए मैंने त्रिशूल का बहाना किया, वो त्रिशूल भी मुझे ही चाहिए था, मगर वो तेरे दड़ियल दोस्त ने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। इसके बाद मैंने ही तेरे पागल जैसे दोस्त को गायब किया, उसको पागल बनाया, उसको कुत्ते की तरह अपने पास रखा, और तुझसे ये खंजर उसी को बचाने के बहाने मंगवाया ताकि मैं अमर हो सकू और दुनिया में राज कर सकू। ला सकता था मगर उस गुफा में सिर्फ पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। उस गुफा में रहने वाली पवित्र आत्माएं मुझे उस खंजर के पास पहुंचने नहीं देती, और तू न खाता न पीता, तू बहुत सुबह शाकाहारी लौंडा है, इसीलिए मैंने तुझे उस गुफा में भेजा और ये तेजी खंजर तुझसे मंगा लिया ताकि मैं तेरे इस प्यारे से गले को चीर कर अमर हो सकूं। मैं दलिया नहीं हूं, तंदुर हूं। Oh, my God.